गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटेसा के और एक नया एपिसोड में। सो गाइस अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले पिछला वाला एपिसोड देखो तो ही आपको ये वाला एपिसोड समझ में आएगा। तो पिछले वाले एपिसोड में मैं माइकल हम दोनों गए थे पुलिस स्टेशन में पूछने के लिए कि हमारे ऊपर अटैक क्यों किया गया था। तो उन लोग ने बोला कि मतलब पुलिस को एक रैंडम कॉल आया था जिसमें पुलिसों को पता चला कि यूनिटी स्टेशन के इधर एक ड्रग डीलिंग चल रहा है, इसलिए उन लोग ने हम पे अटैक किया था। तो उसके बाद हम पुलिस हमें लेकर गई फायर स्टेशन में। तो फायर स्टेशन में एक पुलिस वाले ने एक बंदे को कॉल किया जिसका नाम था क्लॉड। क्लॉड एक हैकर था जो कि बोल नहीं सकता। तो उससे हमें पता चला कि बेलास गैंग ने उनको कॉल करके बताया था। तो बेलास गैंग के ऊपर मैं, माइकल और दो हमारे ग्रुप स्ट्रीट फैमिलीज हम दोनों गए थे अटैक करने, लेकिन माइकल वहाँ से भाग गया। और माइकल मतलब फाइट तो लिया हम लोग ने, लेकिन जो वो लोग बहुत ही ज़्यादा थे हम लोग को लगा नहीं था इतना ज़्यादा होगा, इसलिए माइकल वहाँ से भाग गया और दोनों ग्रुप स्ट्रीट फैमिलीज की डेथ हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैं भी वहाँ से भाग गया और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अटैक मतलब उन लोग के ऊपर कुछ भी अटैक बटैक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े गैंग है और हम लोग की गैंग इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते। तो अभी गाइस मुझे माइकल का कॉल आया और माइकल ने मुझे यहाँ पे बुलाया टेंपल के इधर। तो मुझे नहीं पता क्यों बुलाया, वो बोल रहा था कुछ तो सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तो जाके देखते कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है मेरे लिए माइकल का। और जो कि बिग स्मोक और राइडर और स्वीट जो कि हॉस्पिटल में थे वो भी छूट गए, तो मैं उनको भी देखने जाऊंगा बाद में। तो पहले यहाँ पे माइकल कहाँ पे भाई, माइकल ने मुझे यहीं पे लोकेशन दी थी कि यहाँ पे आ जाओ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ और माइकल देखता हूँ कहाँ पे। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लेकिन मुझे माइकल कहीं पे भी नहीं दिख रहा। और ये रहा गाइस माइकल आ चुका है, कहाँ पे भाग रहा है भाई। तो अभी इससे बात करता हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे क्यों लाया है, तो इससे जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे क्यों बुलाया। ये बोल रहा है कि बस तुम आगे चलो, यहाँ पे पार्किंग के इधर चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और ये क्या है गाइस, लैम्बोर्गिनी। ओ भाई गाइस लैम्बोर्गिनी, ये माइकल मुझे गिफ्ट देना चाहता है क्या, लैम्बोर्गिनी। गाइस लैम्बोर्गिनी सियान है शायद, तो मैं जल्दी से इससे बात करता हूँ। ये लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पे क्यों इसे लाई है वो भी मैं इससे पूछता हूँ। सो गाइस मेरी पूरी की पूरी इससे बात हो चुकी है और इसने कहा है कि ये गाड़ी मुझे इसने गिफ्ट देने के लिए लाई है, तो आज से ये गाड़ी मेरी हो जाती है। और ये इसने कहा है कि इसे को इसका कलर नहीं पता था, मतलब मेरा फेवरेट कलर नहीं पता था, इसलिए इसने व्हाइट कलर चूज़ किया। तो गाइस व्हाइट में भी ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग इसका कलर भी चेंज करवाएंगे। तो उसने देखा कि मैं पहले गाड़ी चुराया करता था क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, या ग्रोसरी फैमिली मेंबर की किसी की उठा लेता था। और इतनी फास्ट गाइस, ये देख रहे हो गाइस स्पीड, देखो गाइस स्पीड। तो मैं जल्दी से अभी इसको कलर कराने लेकर जाऊँगा। तो गाइस माइकल कितना अच्छा बंदा है गाइस। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि माइकल को अभी मैं पूछूंगा कि मुझे क्यों गिफ्ट दिया है, मैंने क्या इतना किया है उसका। तो मैं आगे जाके उससे पूछ लेता हूँ। तो गाइस मैंने माइकल से पूछ लिया और माइकल ने कहा है कि ये सिर्फ उसको ही गिफ्ट देता है जो कि इसके फ्रेंड बन जाते हैं, और हम भी उनमें से एक है। तो गाइस आज से मैं और माइकल की फ्रेंडशिप पक्की हो जाती है। तो ये देख रहे हो लैम्बोर्गिनी सियान, और यहाँ पे माइकल अंदर बैठा है। और जल्दी से अभी हम लोग जा रहे हैं कलर कराने, मॉडिफाई करेंगे गाड़ी को थोड़ा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कलर कराने गाड़ी को, और कौन सा कलर कराऊँ मैं अभी वो सोच रहा हूँ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ मॉडिफाई कराने। आप इसकी स्पीड देख पा रहे हो गाइस, 70 आराम से टच कर रही है ये, 75 गाइस। ठोक दी मैंने यार, कुछ नहीं, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो गाइस। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है लैम्बोर्गिनी सियान, और हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं मॉडिफाई के इधर। तो जल्दी से मैं चलता हूँ मॉडिफाई कराने कार को। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मैं यहाँ पे गाड़ी को ब्लू कलर करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी सोच लिया है, वापस से ठोक दी। तो जल्दी से मैं चलता हूँ और ब्लू कलर करा देता हूँ गाड़ी को, मैंने अभी सोच लिया। लेकिन ब्लू अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, ओ भाई ब्लू का सही कलर दिख रहा है गाइस। और ये टायर का रेड कलर है, तो इसको ना मैं चेंज करके ये वाला टायर यूज़ करने वाला हूँ, नहीं ये नहीं। तो मैं वो टायर चेंज करके ये वाला टायर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है इसमें। हाइड्रोलिक्स नाइट्रो में नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि इसकी स्पीड पहले ही ज़्यादा है, और मुझे और ज़्यादा नहीं करनी है इसकी स्पीड, क्योंकि मुझे ऐसी कार अच्छी लगी। और माइकल भी गाड़ी में बैठा है, और ये देखो गाइस कार क्या चमक रही है गाइस, आज से ये कार हमारी है। और मैं इतना ठोकरा क्यों, अभी तक मुझे आदत नहीं हुई लॉस सेंटर्स में कार घुमाने की, इसलिए मैं इतना ठोकरा हूँ। लेकिन क्या लग रही है कार। अभी मैं जाने वाला हूँ राइडर से मिलने, पहले तो मैं इसको माइकल को छोड़ देता हूँ उसके घर में, तो उसके बाद जाऊँगा मैं राइडर से मिलने, क्योंकि राइडर ने मुझे बोला है कि जल्दी से अभी मिल जा, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल से छूट गया है। तो जल्दी से मैं जाऊँगा राइडर से मिलने। तो माइकल ने कहा है कि यहीं पर इसको छोड़ दे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ और यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। तो गाइस माइकल तो यहाँ से चला गया, और अभी तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ।
लॉस मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं राइडर के घर पे, तो वहाँ से राइडर को पिकअप करूँगा और राइडर को पिकअप करके हम लोग कहीं तो जाएंगे, उसको भी दिखाएंगे कि हम लोग ने लैम्बोर्गिनी सियान लिए, उसके पास फरारी है जो कि आपने पहले वाले एपिसोड में देख ली होगी, ले फरारी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। और लैम्बोर्गिनी सियान का तो कोई जवाब ही नहीं है, देख सकते हो गाइस स्पीड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ठोक रहा हूँ, वापस से ठोक देती गाइस, देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से मैं अभी चलता हूँ राइडर के। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, तो यहीं पे रहता है राइडर, तो मैं राइडर को जल्दी से अभी यहाँ से बुला लेता हूँ और इसको पिकअप करके हम लोग जाएंगे कहीं तो घूमने के लिए, वो जिधर बोलेगा उधर हम उसको लेकर जाएंगे। तो जल्दी से आ जा राइडर। तो राइडर कहाँ पे है भाई, आया कि नहीं? हाँ गाइस राइडर आ चुका है। तो अभी अपने लैम्बोर्गिनी सियान इसको दिखाते हैं पहले, तो इससे बात करते कि आप तुझे ये गाड़ी कैसे लगी। तो गाइस ये पूरा का पूरा चौंक गया अपनी गाड़ी देख के कि इसने रातों रात ये गाड़ी खरीदी कैसे। तो इसको बता दिया कि अपना एक दोस्त है जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद किया और उसने मुझे ये गिफ्ट दिए, तो वो बोला ठीक है। तो उसने बोला अभी हम चलते हैं वापस से बीच में, क्योंकि इसको ना बीच में जाने को इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता क्यों। तो जल्दी से मैं चलता हूँ बीच में घूमने के लिए और आपको लैम्बोर्गिनी सियान का थोड़ा सा लुक भी दिखाता हूँ बाहर से कि ये कार कैसे दिखती है आगे से पीछे से और सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैं जल्दी से अभी चलता हूँ बीच। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी वापस से ठोक दी, तो हम लोग आप यहाँ पर अभी पहुँच गए बीच पे। तो हम लोग अभी यहाँ पे फुटपाथ से गाड़ी चला रहे, तो जल्दी से मैं अभी आगे चलता हूँ। ये लोकेशन राइडर को बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। और मैं आगे कुछ तो रहेगा ये भाई, आगे कुछ भी नहीं, कार अभी जाती थी पानी में सीधा, अगर मैं और भी स्पीड लेता था और ब्रेक नहीं दबाता था। तो ये राइडर को बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन लगती है, क्या मालूम कि उसने मुझे बताया। तो यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ कि कोई स्विम विम कर रहा है कि नहीं, अभी रात है इसलिए कोई भी स्विम कर रहा नहीं तो सुबह बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। सो इस आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ और आपको अभी लैम्बोर्गिनी सियान दिखाता हूँ। ये देखो आगे से कैसे लगती है, बहुत ज़्यादा चपटी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ी है ये, क्योंकि ये एकदम स्पोर्ट्स कार जैसा है। और पीछे से भी देखो गाइस कितनी भारी लगती है गाड़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और माइकल को वापस से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसको कॉल करके मैं अभी वापस से बोल दूंगा। तो इस आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।